फ्रेंड्स, मैं गगनदीप, आपका गार्डनर दोस्त। दोस्तों, आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो मैरीगोल्ड प्लांट है। मैरीगोल्ड से जो प्लांट होते हैं इनको, मतलब कि इनकी केयर जो है वो सारा कुछ बताऊंगा मैं आपको आज। तो इनको हिंदी में गेंदा भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे मैरीगोल्ड कहते हैं। और तो ये ना, पता क्या हुआ, आज मैंने पानी इसमें लगाया तो गिल्ली था जगह होगी इसके नीचे से, और ये गिर गया। तो मैं इसको सहारा देने के लिए ये लकड़ी का यूज कर रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी के साथ इसको शेयर किया जाए। तो इसी वजह से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये वीडियो, तो उम्मीद है कि आपको पसंद भी आएगी। तो मैरीगोल्ड में हम खाद कम देकर भी इससे ज्यादा से ज्यादा फूल जो है वो पा सकते हैं। ये देखिए, इसमें एक फूल खिला हुआ है, दूसरा खिला हुआ है, तीसरा भी खिला हुआ है, चौथा अब खिल जाएगा। और एक ये कली रही, और एक ये री कली, एक ये पीछे कली, और एक ये यहाँ पर कली, और भी है, और ये देखिए यहाँ पर भी है कली, और ये देखिए यहाँ पर भी है, वहां पर भी है, वहां पर भी है, इसके पीछे भी ये देखिए है, यहाँ पर भी है। काफी सारी कलियां इसमें बन चुकी हैं, और एक ये कली है, ये अब मेरे से टूट के मेरा हाथ लगा तो इसको हम तोड़ देते हैं, क्योंकि इसने अब खिलना तो है नहीं, तो ऐसी एनर्जी बाकी कलियों की भी ये ले लेगा। तो इसका जो फूल सूख जाता है, तो हम इसको अगर मिट्टी में ऐसे यूं ही छिड़क देते हैं ना, यूं ही छिड़क देते हैं ना, तो फिर भी ये क्या होता है, ग्रो कर जाता है। इसकी जो ग्रोथ होती है वो भी चालू हो जाती है। ऐसे भी फेंक देंगे तो देख सकते हो ना। तो ये आप जरूर अपने गार्डन में इसका यूज कीजिएगा। और इसमें कई सारे कलर्स भी आते हैं, कई सारे कलर्स, यानी कि इसमें रेड भी आता है, ऑरेंज और रेड मिक्स भी आता है, लाइट येलो भी आता है, डार्क येलो भी आता है, लाइट ऑरेंज भी आता है। इनका साइज छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है, यानी कि इनके अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। तो आप इनको जरूर यूज कीजिएगा। तो ये इजी टू ग्रो है, इसलिए आप इसकी कटिंग भी अगर लगाते हो तो वो भी ग्रो कर जाती है। तो ये जो मेरा प्लांट है, ये मेरा वैसे ही कहीं पर सीड्स पड़ा होगा, बीज पड़ा होगा, वो उड़ के यहाँ पे आ गया, नीचे गिर गया, तो ये एक पौधा ग्रो हो गया। तो फिर मैंने सोचा ये कहाँ से आया होगा, फिर मैंने मुझे ध्यान में आया कि मैंने यहाँ पे जो बीज होते हैं इसके यहाँ पे सुखाए थे, तो ये उड़कर वहां चला गया होगा, इसलिए ग्रो कर गया। तो ये जमा ही आसानी से ग्रो कर जाता है। तो आप इसे अपने गार्डन में जरूर यूज कीजिएगा। तो मैंने वैसे पहले भी वीडियो इस पर बनानी थी, पर किसी वजह से मैं बना नहीं सका, इसलिए मैं आज इसकी वीडियो जो है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अब इसको सहारे की जरूरत है, इसलिए मैं इसमें जो स्टिक कर रहा हूँ, इसको स्टिक की सहायता से इसको ऊपर खड़ा कर रहा हूँ। आप भी ऐसा कर सकते हो, क्योंकि ये नाजुक प्लांट होता है, इसलिए इसको सहारे की तो जरूरत होती ही होती है। वैसे ये झाड़ी नुमा भी होता है, बुशी प्लांट भी होता है, तो आप इसको बुशी भी बना सकते हो, यानी कि बुशी। और मेरा तो ये लंबा मुझे बनाना है, क्योंकि और काफी प्लांट्स हैं जो मतलब कि बुशी बन जाएंगे, तो मुझे तो ये ऐसे ही अच्छा लगता है, खड़ा हुआ सा एक, देख सकते हो ना कितना अच्छा लग रहा है। तो ये मेरी छोटी सी वीडियो अब एंड पे आ गई है। तो बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे चैनल की जो भी नई नई वीडियो मैं अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको
सबसे पहले मिल सके। तो बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।